Dear devotees and friends in Dhamma, my Bodh Bhikshu Vijaya Dhamma, पूर्वोत्तर के रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के साथ कतिना चिवरा के बारे में, इसका उत्पत्ति कब कैसे हुआ है, इसका महत्व क्या है। कतिना चिवरा जो है भिक्षु की ओर से या फिर दाता की ओर से किस प्रकार का नियम पालन करना होता है, इस दान को करने के लिए किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपना ध्यान में रखना होता है और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में आप सभी के साथ मैं जो मेरा नॉलेज में है इसके ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं 30 मिनट तक आपके साथ आलोचना करना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये कतिना चिवरा जो है इसका बैकग्राउंड हिस्टोरी क्या है। ये कतिना चिवरा जो है इसका जो ऑब्जर्वेशन है केवल इस भगवान बुद्ध गौतम के शासनकाल में नहीं हुए हैं, बल्कि जो अतीत बुद्धगण आके महापरिनिर्वाण गए हैं उनमें से एक भगवान बुद्ध जिनका नाम पद्मोत्तारा बुद्ध है उनके शासनकाल में भी इस कतिना चिवरा का उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है। तो ये कतिना चिवरा एक महत्वपूर्ण दान है। जितनी सारी दान की बात कही गई है उन सभी में से ये कतिना चिवरा अपने आप में बहुत ही अहम है, ये बहुत ही महान दान है, बहुत ज़्यादा फल देने वाले में से एक है। और इसका जो है बैकग्राउंड हिस्टोरी अगर हम देखें तो इस गौतम बुद्ध के शासनकाल में कब और कैसे हुए तो हमें ये मिलता है कि एक समय की बात है, एक पावा के नाम से जगह था, उस जगह से 30 व्यक्ति जो है भिक्षु बने, भगवान बुद्ध के शिष्य बने, गढ़ गृहस्थ त्याग करके निष्क्रमण धर्म में आके भगवान बुद्ध के आदेश के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताने लगे। एक समय ये 30 जन भिक्षु जो है अपना गांव पावा से भगवान बुद्ध से दर्शन करने हेतु श्रावस्ती की ओर रवाना हुए। तो ये 30 जन भिक्षु जो है दुथांग सिल पालन था उस समय केवल 3 ही चीवर पहनने वाले भिक्षु थे। एक समय इनके मन में विचार आया कि सावत्थी में जाके भगवान बुद्ध को दर्शन करने के बाद उनके साथ वही अनाथ पिंडिका का बौद्ध विहार में बसवास करेंगे। तो इसी भाव लेके रवाना हुए सावत्थी की ओर। जाते 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 पहुँचे एक जगह जिस जगह का नाम तत्कालीन समय में साकेता नगरा कहा जाता था, जो कि अभी के समय में अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बौद्ध के समय में साकेता नगरा हुआ करता था। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद भिक्षुओं का जो
3 महीने का वसवास का नियम जो व्रत होता है, उसी वसवास का समय आने के कारण ये 30 भिक्षु ने साकेता नगरा में ही अपना 3 महीने का वसवास किया। लेकिन उनका मन में ये उद्देश्य था कि सवात्ति में जाके वहीं अपना वसवास करेंगे 3 महीने के लिए, भगवान बुद्ध से बहुत सारे धम्मा भी सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, शिक्षा दीक्षा लेंगे, इस तरह का उद्देश्य था। लेकिन वसवास करने का समय आने के कारण ये भिक्षु जो है साकेता नगरा में 3 महीने के लिए अपना वसवास अधिष्ठान किया है। भले ही 3 महीने तक कोई खाने पीने में किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं हुई, बिना कोई झगड़े बिना कोई विवाद से अपना वसवास किया, लेकिन उनके मन में ये था कि हम तो निकले थे भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए और उनके साथ वसवास करने के लिए, पर वसवास का समय आने के कारण हमें इस साकेता नगरा में हमें वसवास करने को मिल रहा है। इस तरह का भावना लेके अपना वसवास किया। जब वसवास खत्म हुआ उसके बाद भिक्षु का एक नियम होता है, जिस बिहार में वसवास करेंगे उसी बिहार में पवाराना एक नियम है भिक्षु का, वो पवाराना करके फिर रवाना हुए सवत्ती की ओर। जाते 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 पहुंचा सवत्ती, पहुंचा भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ दूरी पर एक जगह बैठ गए। फिर भगवान बुद्ध इन 30 भिक्षुओं को पूछते हैं, हे भिक्षुगण, आप सब ठीक तो हो, कैसे हो, आप सभी का वसवास कैसे रहा, क्या आपका खाने पीने में कोई दिक्कत आई, इस तरह से पूछने लगे। तो भिक्षुओं ने बताते हैं, हाँ भगवान, कोई विवाद झगड़ा ऐसे कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, हमारे वसवास के दौरान खाने पीने में भी कोई दिक्कतें नहीं आई, पर हाँ हमें ये बात जरूर मन में चली है कि हमने आपके दर्शन हेतु अपना गांव पावा से रवाना हुए, लेकिन आते आते वसवास का समय आने के कारण हम आपसे बिना दर्शन पाए साकेता नगरा में वसवास किए हैं, जिस कारण हमारे मन में यही बात चलती थी कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं, केवल सही योजना की दूरी पर है, फिर भी हमें भगवान बुद्ध का दर्शन करने का नहीं हो रहा है, क्योंकि वसवास का समय है। चाहते हुए भी हम आपसे दर्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की भावना लेकर हमने जो है वसवास किया, ऐसे भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को बताया। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसी शाम को एक अधिवेशन बुलाया, सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया, उसमें धम्म का प्रवचन किया। उसके बाद भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कतिना चिवड़ा का अलाव करते हैं, इस कारण से कि उस समय जो 30 जन भिक्षु भगवान बुद्ध के पास वसवास के बाद पहुँचे, तो उस समय उनका चिवड़ा जो है फटा हुआ था, गीला हुआ था, बारिश में भीगे हुए थे, और अन्य कई चिवड़ा भी नहीं थे, केवल 3 ही चिवड़ा पहनते थे, अंदर रोब, अफर रोब, डबल लेयर रोब, इस प्रकार से 3 प्रकार का चिवड़ा ही पहनते थे।
इन तीन में से कोई एक फट भी गया, अगर बारिश में भीग भी गया तो भिक्षुओं को दिक्कत होती थी। तो इस स्थिति को देखकर भगवान बुद्ध ने कथिना चिवड़ा अलाउ करने का जो आदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, इसका कारण ये भी एक है कि कथिना चिवाड़ा जो नियम है उसी के आधार पर अगर किया जाए तो भिक्षुओं को 5 बेनिफिट्स मिलता है, जो कि पाली में कहते हैं कथिना निशांशा, अनामंता चारा सबसे पहला, असमाधाना चारा 2 नंबर, फिर 3 नंबर गना भोजना, फिर 4 नंबर है यावादत्ता चीवरा, फिर 5 नंबर है योचतत्ता चीवर। तो इस तरह से ये 5 प्रकार का बेनिफिट्स जो है भिक्षुओं को मिलता है अगर किसी ने भिक्षु संघ को कथिना चिवड़ा दान किया हो। उसके बाद वो कथिना चिवड़ा जो नियम है, नियम के अनुसार अगर उसका ऑब्जर्वेशन किया गया हो तो ये 5 बेनिफिट्स भिक्षु को मिलता है। उसके अलावा जो दान करने वाले हैं कथिना चिवड़ा, जो डोनर है, जो दाता है, उनको तो अलग से अपना बेनिफिट्स है ही है। उसके अलावा भी भिक्षु संघ को भी ये 5 प्रकार का बेनिफिट्स कथिना चिवड़ा दाना से मिलता है। तो उस 5 बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट्स जो है, जो कि कथिना बेनिफिट्स मिलने वाला भिक्षु को अपना 3 चिवरा में से किसी को छोड़ के कहीं गांव में बाहर में जा सकते हैं, यानी अपने साथ तीनों के 3 चिवड़ा को नहीं ले जाने से भी कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इस तरह से हमें ये कथिना बेनिफिट से ये पता चला कि कथिना बेनिफिट्स जिन जिन भिक्षु को मिलता है उनको ये ज़रूरी नहीं होता है कि अपना सहाबिहारी भिक्षु को बता के जाए कहीं अगर जाना हो तो, और अपने साथ में 3 चिवड़ा लेके जाए। अगर कितना बेनिफिट्स नहीं मिला तो बिल्कुल कहीं जाने से पहले अपना साथ रहने वाले भिक्षुओं में से किसी एक को बता के जाना पड़ेगा, या फिर अपने साथ 3 चिवड़ा को अच्छी तरह से पहन के जाना पड़ेगा, अन्यथा आपत्ति उनको प्राप्त होगी। तो कथिना बेनिफिट्स से ये पता चलता है कि हम बिना बताए जा सकते हैं और बिना 3 चिवड़ा पहने हुए बाहर भी जा सकते हैं, यानी इससे ये पता चलता है कि हमारा जो नियम है भिक्षुओं के लिए, उन नियमों से कुछ कुछ नियम जो है हम कुछ समय के लिए छुटकारा पाते हैं, उसको नहीं पालन करने से भी कुछ समय के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं होता है। इस तरह का छुटकारा एग्जेम्पशन जो है हमें मिलता है भिक्षुओं को। तो आइए आप जानते हैं कतीना का अर्थ और उसका स्प्रेडिंग कैसे होता है। कथिना चिवड़ा जो है एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें जो है
एक साथ में आना को खतीना कहते हैं। यानी मान लीजिए खतीना चिवड़ा, कोई दान कर रहे हैं और कोई ले रहे हैं। अगर कोई अगर दान कर रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, या फिर लेने वाला है कोई दान करने वाला नहीं है, इस प्रकार का स्थिति में खतीना नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि लेने वाला भी होनी चाहिए, देने वाला भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कमिंग एंड ब्रिंगिंग सर्टेन थिंग्स टुगेदर, एक साथ में कुछ लाना या फिर आना। इसका मतलब देने वाला भी होना पड़ेगा, कितना ची बड़ा दान देने वाला, उसके बाद फिर वो जो लेने वाला होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। उसी को कहते हैं ब्रिंगिंग सर्टेन थिंग्स टुगेदर। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं खतीन मतलब बहुत ही दिक्कत, जो कि मुश्किल, इस तरह का भी समझते हैं। लेकिन हमारे बौद्ध के इतिहास में खतीना चीवाड़ा, इस खतीन शब्द का अर्थ इस तरह का नहीं है। हमारे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध शिक्षा में जो खतीना चीवाड़ा, ये खतीन शब्द का अर्थ है फॉर्मनेस, अनसेकेबल। इसका मतलब सेकेबल नहीं है, बहुत ही दृढ़ है, स्थिर है और एक फ्रेम को भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के समय में जब कभी चिवड़ा बनाना हो तो एक फ्रेम होते हैं, उस फ्रेम में टुकड़े टुकड़े कपड़े को तान ठान के उसमें फिट किया जाता है। उसको सिलाने से पहले उस फ्रेम में फिट किया जाता है, रस्सी से बांध बांध के, हर एक टुकड़ा को इस तरह से रस्सी से बांध बांध के फिट किया जाता है। उसके बाद उसी फ्रेम में इस तरह से टुकड़े टुकड़े कपड़ों को बांध के सिला सिला के जो है एक बड़ा कपड़ा बनाते थे। उस बड़े कपड़ों को फिर रंग में डुबा के उसका येलो कलर बना के चिवड़ा बनाते थे। तो ये जो फ्रेम का यूज़ या फिर जिस फ्रेम के सहारे, जिस फ्रेम को प्रयोग करके ये कपड़ा सिलाया गया है, तो उसी फ्रेम को भी कहते हैं खतीना। और ये खतीना फॉर्मनेस इस मायने में कहा गया कि जो कोई खतीना चिवड़ा दान करेगा उसका जो बेनिफिट्स है वो कभी खोता नहीं है, वो कभी मिस होता नहीं है, वो कभी चुकता नहीं है। वो अगर नियम से किया गया हो तो जो दान करने वाला है उनको भी बेनिफिट्स मिलता है, और फिर जो दान लेते हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलता है। इस मायने में यह है फॉर्मनेस और स्टेबल। खतीना का अर्थ स्टेबल भी है, और ये स्टेबल इस मायने में कहा गया कि जो खतीना दान करने के बाद जो बेनिफिट्स मिलता है भिक्षुओं को, भिक्षु संघ को, वो बेनिफिट्स जो है एक निश्चित काल के लिए स्टेबल है, उससे घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, उसे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। मान लीजिए
खतीना बेनिफिट्स का समय होता है 5 महीने का। 5 महीने से कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर सही नियम के अनुसार यह खतीना का सेलिब्रेशन हुआ हो तो ये बेनिफिट जो है पूरा का पूरा 5 महीना तक ही स्टेबल रहेगा। तो यह है खतीना शब्द का अर्थ। और अभी यह खतीना किस तरह का स्प्रेडिंग होता है, अक्सर हमें इंग्लिश वर्ड स्प्रेडिंग का मतलब ये समझ में आता है कि उसका फैलाना, उसका विस्तार करना, उसको बिछाना। जैसे हम कभी कारपेट फ्लोर में बिछाते हैं, उसको भी स्प्रेडिंग ऑफ कारपेट कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन हमारे बौद्ध अनुयायियों के लिए ये स्प्रेडिंग ऑफ खतीना का मतलब ये होता है कि जब कोई भिक्षु संघ को खतीना चिवड़ा दान करेगा, उसके बाद भिक्षु संघ तय करेंगे किस भिक्षु को जो है ये खतीना चिवड़ा व्यवहार करने के लिए देना है, वही व्यवहार करेंगे। संघ की ओर से ये तय किया जाता है। उसके बाद कुछ करणीय दायित्व होता है, उसी करणीय दायित्व को पालन करते हुए अन्य भिक्षुओं को जो खतीना बेनिफिट्स दिलाते हैं, इसी को कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ खतीना। यानी जैसे हम फ्लोर में अगर एक मैट बिछाते हैं तो उस मैट में केवल हम नहीं बैठते हैं और दूसरों के लिए भी जगह बना देते हैं। उस मैट का बेनिफिट जो है, और कोई आएंगे तो उनको भी मिलेगा उस मैट के ऊपर बैठने का। ठीक इसी प्रकार से स्प्रेडिंग ऑफ खतीना मीन्स जो खतीना चिवड़ा को यूज़ करेंगे ये भिक्षु कुछ ऐसा करणीय नियम के अनुसार करेंगे जिस कारण अपने साथ सहविहारी भिक्षु को भी इस खतीना बेनिफिट्स मिलता है। इसी को कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ खतीना। तो आप जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स कोई एक व्यक्तिगत रूप में एक भिक्षु को दान नहीं किया जाता है, हमेशा जो है भिक्षु संघ को ही दान किया जाता है। मान लीजिए कोई एक भिक्षु अपना बौद्ध विहार में अकेले ही बसवास किया हो, तो अभी डिवोटीज उनको खतीना चिवड़ा दान देना चाहते हैं, तो उस भिक्षु को नहीं दान दे पाएंगे क्योंकि वो एक ही भिक्षु है, वो संघ नहीं है। संघ मतलब 4 भिक्षु लेके हजारों लाखों सभी को संघ कहते हैं। तो अगर कोई एक बौद्ध विहार में एक ही भिक्षु बसवास करते हैं और वो बसवास करने के बाद पावराना भी करते हैं, अगर उस बिहार का कमेटी या फिर उस बिहार को देख रेख करने वाले उपासक उपासिका जो है अगर खतीना चिवड़ा दान देना चाहते हैं उस भिक्षु को, तो केवल उस भिक्षु को नहीं दान दे पाएंगे, उसके लिए करना होगा अन्य कहीं बौद्ध भिक्षु को इनवाइट करके लाना होगा। जिस दिन खतीना चिवड़ा दान करेंगे उसी दिन अन्य भिक्षुओं को भी इनवाइट करके लाना होगा, इकट्ठा करना पड़ेगा कम से कम 4 भिक्षु। उसके बाद उन 4 भिक्षु के नाम से या फिर उन 4 भिक्षु के उद्देश्य में या यानी संघ के उद्देश्य में दान करना पड़ेगा। कोई एक
भिक्षु को दान नहीं किया जाता है, हमेशा ये खतीनाची वाला जो है संघ को दान किया जाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, तो ये खतीनाची वाला सेलिब्रेशन जो है किस प्रकार से ऑब्जर्व किया जाता है, वह है उसमें भिक्षु भी होना चाहिए और डिवोटिस भी होना चाहिए। मान लीजिए भिक्षु है लेकिन कोई डिवोटिस नहीं है दान करने वाला, फिर भी खतीना नहीं हो पाएगा। मान लीजिए डिवोटिस है, उपासक है, उपासिका है, लेकिन कोई भिक्षु नहीं है, यानी दान करने वाला उपासक उपासिका और उस खतीनाची वाला दान को लेने वाला भिक्षु संघ होना पड़ेगा। तो तीन नंबर है दौनी। ये खतीनाची वाला जो है किन किन लोग दान कर सकते हैं, ये खतीनाची वाला ऐसा नहीं है कि केवल उपासक उपासिका मिलके ही दान कर सकते हैं। भिक्षु समानेर या फिर भिक्षुनी ये लोग दान नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। ये खतीना चिवरा जो है पुरुष भी दान कर सकते हैं, महिला भी दान कर सकते हैं, भिक्षु भी दान कर सकते हैं, भिक्षुनी भी दान कर सकते हैं, समानेरा वो भी दान कर सकते हैं, समानेरी भी दान कर सकती है, सिक्का माना भी दान कर सकती है, और देवता देव देवी ये लोग भी दान कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी दान करेंगे हमेशा भिक्षु संघ को ही दान करना पड़ेगा। अगर कोई भिक्षु खतीनाची वाला दान करना चाहते हैं, एक भिक्षु हो या फिर पांच भिक्षु हो मिलके अगर खतीनाची वाला दान करना चाहते हैं, फिर भी वो संघ को ही दान करना पड़ेगा। ऐसे ही भिक्षुनी मानेरा समानेरी एक हो या एक से अनेक, फिर भी भिक्षु संघ को ही दान करना पड़ेगा, किसी एक भिक्षु को नहीं। इस तरह से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देव देवी ये लोग भी दान कर सकते हैं, लेकिन हमेशा भिक्षु संघ को ही दान किया जाता है। उसके बाद समय, टाइम। भिक्षु वर्षा ऋतु के समय चार महीने में से तीन महीने वसवास करेंगे, उसके बाद वर्षा ऋतु के अंतिम महीना उसी महीने के अंदर किसी भी एक दिन में एक ही विहार में एक बार दान कर सकते हैं, साल में एक बार। तो अब है चिवाड़ा रोव। ये खतीना चिवाड़ा जो है पाने के लिए कोई भी भिक्षु जो है इशारों से, अपनी बोली से, अपने जुबान से, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसी भी प्रकार से संकेत भी नहीं दे सकते हैं कि हमें खतीना चिवाड़ा दान करो। ये खतीना चिवाड़ा जो है स्पॉन्टेनियसली जो है आनी चाहिए। इस खतीना चिवाड़ा पाने के लिए किसी प्रकार से इशारा घुमा फिरा के बाद बोलना या फिर किसी को बुलवाना, किसी से कहलवाना कि हमें खतीनाची वाला दान करो, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का इशारा नहीं कर सकते। उसके बाद प्रॉपर प्रोसीजर जो है किस प्रकार से खतीना जो है समापन होना है। खतीना चिवरा जो है कोई एक श्रद्धावान उपासक हो या उपासिका या भिक्षु हो भिक्षुनी हो समानेरा हो समानेरी हो, अपने मन की श्रद्धा के बल से भिक्षु संघ को दान करते हैं। उसके बाद कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को भिक्षु संघ के द्वारा पालन करना होता है।
उसमें से जैसे ज्ञाति यानी मोशन में लाना, अप्रूवल होता है, पच्छुद्धराना या फिर रिलिंक्विश करना होता है, उसके बाद कप्पा बिंदु, मेकिंग डॉट्स, आदित्ताना यानी उसका डिटर्मिनेशन करना, अत्तराना यानी उसका स्प्रेडिंग करना, उसके बाद अनुमोदाना यानी रिजॉइसिंग द मेरिट्स। इस प्रकार से कुछ भिक्षु संघ का नियम है, उन सभी नियमों को पालन करना होता है। उसके बाद सीमा यानी सेक्रेट हॉल या फिर ऑर्डिनेशन हॉल, भिक्षुओं के लिए हर एक मंदिर में सीमा होता है यानी सेक्रेट हॉल, जिसमें भिक्षु बनाते हैं, ऑर्डिनेशन करते हैं, उसमें पातिमोक्का पात करते हैं, उसमें कुछ भिक्षु संघ का नियम लंघन होने से उसी में प्यूरिफाई करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। इस तरह से एक स्पेसिफिक जगह होता है जिसका नाम पाली में कहते हैं सीमा। तो इस तरह से सीमा इस प्रकार का हॉल या फिर इस तरह का जगह का भी जरूरी होता है। तो हमें खतीना चिवड़ा धान को समापन करने के लिए एक सीमा का भी जरूरी होता है। बिना सीमा के खतीना चिवड़ा इनवैलिड होता है। उसके बाद वस्सा, वस्सा यानी जो बौद्ध भिक्षु वस्सा ऋतु के 4 महीने में से 3 महीने अपना वस्सावास अधिष्ठान करते हैं, उसी को वस्सा कहते हैं। इसका मतलब यह है, कोई एक बौद्ध विहार में भिक्षु अपना वस्सावास अधिष्ठान करके अनब्रोकन यानी उसको बिन लंघन किए हुए 3 महीने तक पालन करना होता है। अगर वस्सावास बीच में टूट गया या भंग हुआ तो उस बिहार में अगर केवल एक ही भिक्षु है जो कि अपना वस्सावास 3 महीना तक पूरा नहीं कर पाया, बीच में टूट गया या फिर भंग हुआ, तो उस बिहार में उस भिक्षु को लेके अन्य भिक्षु बुला के संघ एकत्रित करके खतीना चिवड़ा दान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस बौद्ध विहार में एक ही भिक्षु था जो कि वस्सा अधिष्ठान किए है लेकिन बीच में उनका वस्सा जो है टूट गया है। इस कारण उस विहार में खतीना चिवड़ा दान नहीं हो सकते हैं। तो यही है, खतीना चिवड़ा दान करने से पहले किन किन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखना होता है। इन बिंदुओं के एक भी कमी के कारण हमारा खतीना चिवड़ा दाना सेलिब्रेशन जो है ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, वो वैलिड नहीं होंगे यानी इनवैलिड होंगे, सेम पर्सन जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आइए आप जानते हैं खतीना चिवड़ा दान करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। खतीना चिवड़ा भिक्षु संघ को दान करने से दान करने वालों को कभी कहीं में जाने पर किसी प्रकार की डेंजर, किसी प्रकार की बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस, हिंड्रेंसेस कभी उनको फेस करना नहीं होता है। और जो खतीना चिवड़ा दान करते हैं भिक्षु संघ को, उनका जो है संपत्ति, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो घर, बंगला, गाड़ी, जायदाद, जमीन, कुछ भी हो, वो जो है अग्नि के द्वारा, पानी के द्वारा,
दुष्ट राजा के द्वारा, चोर के द्वारा कभी नष्ट नहीं होता है। और अपने काम को बहुत ही आसान से संपन्न कर सकते हैं, बिना कोई तकलीफ से अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। और अपने भोजन पानी के संदर्भ में उनको कभी कमियां नहीं आएंगे, और उनका जो है संपत्ति है वो हमेशा सेफ रहेंगे, उसका हानि नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे। उनका कभी ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े का कभी कमी नहीं होंगे। और जैसे नागीता भंते जी ने कतिना चिवरा का बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि कतिना चिवरा भिक्षु संघ को दान करने से नागीता भंते जी जो है दुर्गति क्या चीज़ है कभी सामना करने को नहीं मिला है। वो 30 कप्पा तक जो है इस प्रकार के दुर्गति का दुख झेलने को नहीं मिला है, और वो कई बार देवराज इंद्रो बन के जन्म लिए है। और नागीता बंते जी जो है अपने अतीत जन्म में कतिना चिवाड़ा भिक्षु संघ को दान करने के पुण्य फल से इस जन्म में भी, यानी इस गौतम बुद्ध के शासन काल में भी, गौतम बुद्ध के चरण मिले हैं, यानी भिक्षु बने हैं। भिक्षु बनने के बाद इस भव संसार की दुखों से अपने आप को मुक्त कर पाए हैं। तो आज हमें ये जानने को मिला कि एक कतिना चिवाड़ा भिक्षु संघ को दान करने से एक ऐसा फल देता है जिस कारण से हमें कभी अगर मानव जीवन लाभ किए हैं तो सुख से ही अपना जीवन बिताते हैं। हम सभी बौद्ध भिक्षु को लेके उपासक उपासिकाओं को भी कम से कम जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। ये ऐसा दाना है जिस दाना से हमें दुखों से छुटकारा पाने के लिए सहायता मिलता है, ये इस प्रकार का दाना है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आप सभी बौद्ध अनुयायियों को मेरा कुशल मंगल कामना रखता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से रहे, स्वस्थ रहे, मन की शांति से रहे, अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है पूरा कर सके। अंत में दान, शील, भावना इत्यादि कुशल पुण्य कर्म को संपादन करके अपना सभी दुखों से छुटकारा पा सके, इस प्रकार की शुभ मंगल कामना के साथ मैं आज अपना धम्म प्रवचन इसी में विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।